The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. So let's understand peripheral neuropathy. What is peripheral neuropathy? Peripheral nerves का मतलब होता है, देखिए आपके बॉडी के अंदर जो सेंट्रल सिस्टम है वो है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, जो रीढ़ की हड्डी के अंदर नसें होती हैं। उसमें से निकलने वाली नसें, जो नसें हैं, तरंगे निकालने वाली इलेक्ट्रिकल नसें हैं, खून वाली नहीं, इलेक्ट्रिकल नसें हैं, हाथों में भी जाती हैं, पैरों में भी जाती हैं, इनको हम पेरिफेरल नर्व्स बोलते हैं। ये पेरिफेरल नर्व्स हैं और ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम इन द ब्रेन, इन द स्पाइनल ऑफ द कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड। ऑलराइट, सो पेरिफेरल नर्व्स, दे कैरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, फ्रॉम द ब्रेन, एंड दे कैरी सिग्नल्स फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। सिंपल, पूरी बॉडी में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से उठा के सिग्नल टंग नंग 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 पेरिफेरल, टंग नंग 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 पेरिफेरल, पेरिफेरी में चला गया। तो पेरिफेरी में जाने के बाद उस न्यूरो यानी उस नर्व में न्यूरोपैथी हो रहा है। न्यूरोपैथी, पैथी मीन्स प्रॉब्लम और न्यूरोपैथी मीन्स देयर इज प्रॉब्लम इन द नर्व्स, दैट मीन्स द नर्व्स डोंट वर्क प्रॉपरली। सो नसें सही से काम नहीं कर रही हैं। सिंपल, अब ये क्यों होगा? ये हो सकता है किसी एक अकेली नर्व नस को हो गया डैमेज, डैमेज किसी एक नस को हो गया डैमेज, या किसी ग्रुप ऑफ नर्व्स को हो गया डैमेज। कारण बहुत से हो सकते हैं। इट मे ऑल्सो अफेक्ट नर्व्स ऑफ ऑल द बॉडी, मतलब पेरिफेरल न्यूरोपैथी एक नस खराब हो सकती है, कुछ ग्रुप ऑफ नसें खराब हो सकती हैं, पूरी बॉडी की नसें खराब हो रही हैं, ऐसा भी हो सकता है। बहुत सारे मेजर किसी प्रकार की कोई ऐसी बीमारियां भी होती हैं जो पूरे शरीर के नसों को पकड़ पकड़ के अटैक करती हैं। आई मीन, सो व्हाट आर द कॉजेज, एंड दिस इज वेरी कॉमन, दिस इज वेरी कॉमन, कतई सबको होता है, कतई मतलब ऑलमोस्ट सबको होता है एक ना एक उम्र में। सो कतई जहर हो गया। So, there are many types and causes of this peripheral neuropathy and कोई एक अकेला reason बोलेंगे कि यही छह कि वही छह, ऐसा बोल नहीं सकते। बहुत सारे reason है, बहुत सारे अलग अलग प्रकार के reason है। बोले तो क्या नसों में बीमारी genetic reason से भी होती है, genes, genetic problems number one, और genetic के अलावा सबसे common बीमारी है डायबिटीज, डायबिटीज मधुमेह, शुगर, शक्कर, मिठाई, जी हाँ बीमारी, मिठाई, शक्कर, शुगर, राइट। सो डायबिटीज इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ नर्व प्रॉब्लम, एंड हाई ब्लड शुगर लेवल जो ज्यादा देर तक रहता है आपके कप के ब्लड में, वो लिटरली जाके नसों को डैमेज करता है, पैरों में, हाथों में, एवरीवेयर। सो डायबिटिक neuropathy is the most common reason of नसों का damage. उसके अलावा there are causes, जैसे कि neuropathy हो सकती है, autoimmune disease, आप ही की immune system, आप ही की body के cells को कर रही है damage, that is like rheumatoid arthritis, arthritis में भी damage होता है peripheral system, chronic kidney diseases, disease की problem kidney disease में भी नसें खराब होती हैं, कुछ वायरल इन्फेक्शन जैसे कि HIV, एड्स, शिंगल्स, हेपेटाइटिस, ऐसी वायरसेस को वे भी जाके नसों को डैमेज करती हैं, और विटामिन लेवल्स, लिटरली विटामिन लेवल्स, द बिगेस्ट विटामिन विच कॉजेज प्रॉब्लम इन द नसें, इन द नर्व्स इज बी फॉर बॉम्बे, बी विटामिन, B1, B6, B12, ये तीन विटामिन सबसे जरूरी है। उसके बाद और भी विटामिन की कमी से प्रॉब्लम हो सकती है, एंड देन देयर इज मेटाबॉलिक डिजीज, इंसुलिन रेजिस्टेंस, मोटापा, ओबेसिटी, बहुत ज्यादा खाना खा रहे हो, बहुत कम खाना खा रहे हो, बहुत उबार उपवास रख रहे हो, मेटाबॉलिज्म में प्रॉब्लम है, देयर इज नॉट अ रेगुलेशन, सम प्रॉब्लम, एंड देन देयर आर मेनी अदर मेटाबॉलिक डिजीजेस, PCOD, हाइपोथायरॉयड, राइट, थायरॉयड प्रॉब्लम, PCOD, अपना डायबिटीज इज ऑल्सो अ मेटाबॉलिक डिजीज। कभी कभी मेटल्स से, हैवी मेटल पॉइजनिंग, लेड पॉइजनिंग,
से भी नसें खराब होती, पेरिफेरल न्यूरोपैथी होता है. और पुअर ब्लड सप्लाई टू सर्टन पार्ट ऑफ योर बॉडी कैन ऑल्सो लीड टू पेरिफेरल न्यूरोपैथी बिकॉज ऑफ रिड्यूस्ड ब्लड सप्लाई. थायरॉयड इज वन रीजन, हाइपोथायरॉयड, बोन मैरो प्रॉब्लम्स. बोन मैरो आपकी बॉडी के अंदर बनाते हैं आपके ब्लड के सेल्स, दे कैन ऑल्सो लीड टू दैट. ट्यूमर्स बॉडी के अंदर हो रहे हैं, ट्यूमर्स, कैंसर्स, वो भी कर सकते हैं. और कुछ जेनेटिक बीमारियां हमने ऑलरेडी आपको बताई हैं. सो ये सारे कारण हो सकते हैं, पोटेंशियल रीजंस आपको नसों में प्रॉब्लम होने के, नर्व्स में प्रॉब्लम. इसके अलावा और भी बहुत कॉमन रीजंस हैं, नहीं खत्म नहीं हुए, सुनो सुनो सुनो. जी हाँ, नसों में किसी भी प्रकार का ट्रॉमा, लॉन्ग टर्म प्रेशर, ट्रॉमा कौन करेगा? आप. कैसे करोगे? गलत पोस्चर में सामान उठाने से, घुटने झोंके, घुटने मोड़े बगैर झुकने से, झुक के गलत पोस्चर में सामान उठाने से. और जिम में जो आप करते हैं उल्टे सीधे वेट लिफ्टिंग, खूंखार वेट लिफ्टिंग, वट एवर यू कॉल इट, ईगो लिफ्टिंग, उससे, ट्रॉमा से. पीठ में अगर डिस्क हर्निएट हो रही है तो डिस्क प्रोलैप्स हो जाने से आपको होगी दिक्कत, डिस्क हर्निएशन से दिक्कत हो सकती है. लॉन्ग टर्म अल्कोहल यूज से, हैवी अल्कोहल यूज से भी नसें खराब होती हैं, दारू ज्यादा पीने से भी. डिड यू नो? नो यू डिड नॉट. सर मुझे तो पता ही नहीं था. ओह आई नो, फिर भी पी रहे हो, कोई बात. फिर मर्क्यूरी, लेड, ग्लू, सॉल्वेंट पॉइजनिंग, कई दवाओं से होती, कैंसर की दवा, हाई ब्लड प्रेशर की कुछ दवाओं से, हर एक के नहीं, के लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट से, क्या सीजर, दौरे पड़ने वाली दवाओं, दौरे की दवाओं से, या फिर कोई मान लीजिए किसी के हाथ में नसों में प्रेशर आ रहा है, कार्पल टनल सिंड्रोम, या फिर इफ़ यू आर एक्सपोज टू वेरी कोल्ड टेम्परेचर, ठंड में अगर बहुत ज़्यादा देर तक कोल्ड टेम्परेचर में रह गए तो भी नसें खराब होने लगती हैं. और अगर कोई मान लीजिए आपको हाथ पैर में फ्रैक्चर हो जाए किसी को खुदा ना खास्ता, और कास्ट लग गया, तो वो कास्ट का अगर बहुत ज़्यादा टाइट है, ब्रेस है, तो उसके वजह से भी दिक्कत हो सकती है आपको. सो इट्स अ लॉट ऑफ सिम्टम्स, लॉट ऑफ रीजंस. सो पेरिफेरल न्यूरोपैथी अगर होगा तो क्या होगा, सिम्टम क्या होगे? दर्द होगा, पेन होगा, मसल्स में प्रॉब्लम होगा, टिंगलिंग बर्निंग सेंसेशन होगा आपके हाथों में, आपके पैरों में, आपके फीट में. अर्ली साइंस ये हैं, आपको डीप पेन हो सकता है फीट में, यू मे लूज फीलिंग इन योर लेग्स आपके इसके किस कारण के वजह से. सो धीरे 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 आपको दिक्कत होने लगती है, कई बार आपको ठंडे गर्म महसूस होना बंद हो सकता है, नमनेस हो सकती है, राइट. और बैलेंस प्रॉब्लम्स आ सकते हैं आपको, मसल प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, नर्व्स, नसों में डैमेज होने से मसल कंट्रोल में इश्यू आ सकता है. इट कैन ऑल्सो कॉज वीकनेस, किसी एक हाथ में, किसी एक पॉड में कम पावर हो जाना, कभी कभी दिक्कत हो सकती है, और चलने फिरने में प्रॉब्लम आनी शुरू हो सकती है. देन समटाइम्स प्रॉब्लम कैन हैपन इन दी ऑर्गन ऑल्सो, बॉडी के अंदर अगर किसी ऑर्गन्स की, आपके हार्ट को, आपके इसोफेगस को, आपके अथड़ियों को, जो नसें जा रही हैं वहाँ पे प्रॉब्लम होने लगी तो उनके काम खराब हो जाएंगे. अथड़ियों में, नसों में प्रॉब्लम हो रहा है, कभी कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, गैस ज़्यादा बन रही है, रिगर्जिटेशन हो रहा है, हार्ट बर्न हो रहा है, थोड़ा सा खाना खाया उल्टियाँ आ रही हैं, ऊपर आ रहा है. सो इवन अ लॉट ऑफ थिंग्स कैन हैपन. हार्ट में रिदम प्रॉब्लम आ सकती है, नसें तो सब जगह जाती हैं, ऐसी कोई जगह नहीं है बॉडी में जहां नस नहीं जाती, तो लिटरली कुछ भी कर सकती है नसें, राइट. राइट, दिस इज अ प्रॉब्लम, राइट. सो अ लॉट ऑफ थिंग्स कैन हैपन. रिदम प्रॉब्लम होके किसी को हार्ट में ब्लॉकेज है, वो हार्ट ब्लॉकेज वाले के हार्ट पे और जोर पड़ के अटैक भी आ सकता है. सो नसों में प्रॉब्लम कैन कॉम्प्लिकेट अ लॉट ऑफ थिंग्स, इट्स अ ह्यूज थिंग, मजाक नहीं है. सेक्सुअल प्रॉब्लम हो सकती है, नसें वहां भी जा रही है, इलेक्ट्रिकल नसें, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, विमेन्स में वजाइनल ड्राइनेस, ऑर्गेजम प्रॉब्लम हो ही नहीं रहा, राइट. शुगर प्रॉब्लम्स तो है ही, ब्लैडर प्रॉब्लम, पेशाब निकल जा रहा है, पेशाब रुकता नहीं है, ओवर एक्टिव ब्लैडर, बॉडी टेम्परेचर उल्टा सीधा, घपाघप, स्वेटिंग हाथ से घपाघप, कभी कोई पसीना ही नहीं आता है, बॉडी गर्म है, बहुत सारे नसों के प्रॉब्लम्स हैं, लिटरली अ ह्यूज थिंग, इट्स अ ह्यूज डिजीज, राइट.
इसीलिए सबको होती है, राइट. सो आपके डॉक्टर को सुनने समझने से लगना ये नसों में प्रॉब्लम, दिस इज अ न्यूरोपैथी. एंड व्हाट दे डू, इसमें नसों के लिए ज्यादा टेस्ट नहीं होते, वी डू आइदर ईएमजी इलेक्ट्रोमायोग्राफी टू चेक द एक्टिविटी इन द मसल, मसल काम कर रही है कि नहीं. नर्व कंडक्शन स्टडी होती है, कितना तेज नसों में कंडक्शन हो रहा है इलेक्ट्रिकल. एंड नर्व बायोप्सी की जा सकती है, नर्व बायोप्सी से नर्व्स को स्टडी किया जा सकता है क्या खराबी हो रही है. एंड बट ऑफकोर्स उसके कारण के लिए डायबिटीज लग रहा है, विटामिन की कमी लग रही है, थायराइड लग रहा है, बथेरे फलाना ढमकाना, किडनी प्रॉब्लम लग रहे हैं, उनके लिए टेस्ट किए जा सकते हैं. एंड द पॉइंट इज दैट द ट्रीटमेंट डिपेंड्स अपॉन द कॉज, राइट. जो कारण निकलेगा उसको ट्रीट करेंगे. दारू पीते हो तो बंद करो, शुगर है तो कंट्रोल करो, मोटे हो तो पतले हो जाओ, और अगर डाइट में प्रॉब्लम है डाइट ठीक करो, विटामिन डेफिशिएंसी है तो वो करेक्ट करो, और अगर नसों पे प्रेशर है, कोई डिस्क दबा रही है, डिस्क प्रेशर हटाओ तभी ठीक होगा, ठीक है ना. सिर्फ दर्द की दवा खाने से कुछ ना होने वाला, इट्स वेरी 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 सिंपल. और सही तरीके से अपने बॉडी के पोस्चर को रखने से ज़रूर फ़ायदा मिलेगा, अपने स्किन को, अपने पैरों को, अपने शरीर को देखने से बहुत फ़ायदा मिलेगा, राइट. और बाकी के जो सिम्टम्स हैं उसके लिए, जैसे अगर आपको ब्लैडर सिम्टम है तो किगल एक्सरसाइजेस करो, कैथेटराइज करना पड़ सकता है, दवाइयाँ लेनी पड़ सकती हैं सिम्टम्स को कंट्रोल करने के लिए. जो सिम्टम है उसको, हार्ट के सिम्टम है, चक्कर आ रहे हैं, अरे आपको ब्लैडर यूरिनेशन प्रॉब्लम हो रहा है, आपको सेक्सुअल इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो रहा है, उनको अलग अलग मैनेज, जो सिम्टम उसको मैनेज करना पड़ेगा और नसों को अलग से ट्रीट करना पड़ेगा. सो दिस इज द आइडिया अबाउट पेरिफेरल न्यूरोपैथी. पेन किलर्स आर ऑल्सो वन ऑप्शन, बट पेन किलर्स को समझ के यूज करना होता है. होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट. डू आस्क क्वेश्चंस एंड डू शेयर द वीडियो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट.